हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी पाठशाला में। सीजीपीएससी पाठशाला में आज हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय 4 मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर। इस अध्याय पर हम मेनली फोकस करेंगे आपके सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाले टॉपिक पर, ठीक है? तो ध्यान समझते हुए चलिएगा। देखिए, सबसे पहले नंबर पर है छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, ठीक है? छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम ये लागू किया गया हमारे प्रदेश में वर्ष 2012 में प्रदेश सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया तथा प्रदेश के नागरिकों के लिए खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम लागू करने वाला हमारा छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, ठीक है? काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा याद रखिएगा। प्रदेश के नागरिकों के लिए खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम लागू करने वाला हमारा छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, ठीक? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम है ये वर्ष 2012 में लागू हुआ, जबकि केंद्र सरकार के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम ये लागू हुआ आपके 2013 में, छत्तीसगढ़ में लागू होने के एक साल बाद। छत्तीसगढ़ में लागू हुआ वर्ष 2012, जबकि आपके अखिल भारतीय स्तर पर केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया गया वर्ष 2013 में, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, प्रदेश के नागरिकों के लिए खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम लागू करने वाला हमारा छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, ठीक है? छत्तीसगढ़ में वर्ष 2012 में लागू हुआ, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ 2013 में। दोनों ईयर इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है उचित मूल्य की दुकान। उचित मूल्य की दुकान क्या होता है? जरूरतमंदों को उचित मूल्य पर आपकी राशन सामग्री मुहैया कराए जाने का दुकान, ठीक है? ये जो आपकी उचित मूल्य की दुकानें हैं, ये आपके पीडीएस प्रणाली यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत ये उचित मूल्य की दुकानें संचालित होती है, जो कि आपके जरूरतमंदों को उचित मूल्य पर सामग्री उपलब्ध कराए जाने के लिए दुकान बनाया गया रहता है प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक? देखिए, ये जो उचित मूल्य की दुकानें हैं, इसकी स्थिति नवंबर 2020 तक के में, ठीक है? नवंबर 2020 तक की स्थिति में हमारे प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों की संख्या है आपकी 12,451। पूरे प्रदेश भर में उचित मूल्य की दुकानों की संख्या कितनी है? 12,451, जिसमें से सर्वाधिक जो आपकी उचित मूल्य की दुकानें हैं वो है आपके ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है? सर्वाधिक उचित मूल्य की दुकानें मौजूद है आपके ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में कितना है आपका? 111,149, यानी कि 11,149, जबकि शहरी क्षेत्रों में इसकी संख्या है 1,302, ठीक है? शहरी क्षेत्रों में इसकी संख्या है 1,302, दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा आपका 12,451। जबकि अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के जो 28 जिले हैं, वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ के 28 जिले हैं, इन 28 जिलों में सर्वाधिक उचित मूल्य की दुकानें कहां पर मौजूद है पूछा जाए तो वो है आपके राजनांदगांव जिले में, जबकि सबसे कम कहां पर मौजूद है पूछा जाए तो वो है नारायणपुर में। राजनांदगांव जिला जो कि क्षेत्रफल के आधार पर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, तो जिला बड़ा है तो उचित मूल्य की दुकानें भी वहां सर्वाधिक होगी, और ये नारायणपुर जो कि दुर्गम क्षेत्र है इसलिए यहां पर उचित मूल्य की दुकानें कम है। कब तक की स्थिति में है? नवंबर 2020 तक की स्थिति में, ठीक? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका राशन कार्ड, ठीक है? राशन कार्ड, उससे पहले एक चीज और नोट कीजिएगा, ये जो उचित मूल्य की दुकानें हैं, उचित मूल्य की दुकानें में जो आपका राशन प्रदेश के नागरिकों को जो राशन दिया जाता है उसे ऑनलाइन पीडीएस के तहत इसे जोड़ा गया। ऑनलाइन पीडीएस मतलब राशन लेने के लिए राशन कार्ड लेकर के जाते हैं, उसका आज के डेट में उचित मूल्य की दुकानों में उसका ऑनलाइन एंट्री होता है, उसे कहा जाता है आपका ऑनलाइन पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक? ऑनलाइन पीडीएस के माध्यम से इन उचित मूल्य की दुकानों को जोड़ा गया किस वर्ष? ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2007 में। इंपॉर्टेंट है, ये ईयर याद रखना है, ईयर से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है? पीडीएस प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों को कब आपका ऑनलाइन माध्यम से जोड़ा गया तो वो है आपका वर्ष 2007, ठीक? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है राशन कार्ड। प्रदेश में कुल राशन कार्ड धारी परिवारों की संख्या कितनी है, ठीक है? प्रदेश में कुल राशन कार्ड धारी परिवार इसकी संख्या है आपका 67.11 लाख परिवार। प्रदेश में आपका 67,11,000 परिवार जो है वो राशन कार्डधारी परिवार है, यानी इतने परिवारों के पास राशन कार्ड है, ठीक? अब छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में से किस जिले में आपके राशन कार्ड परिवार जो राशन कार्डधारी परिवारों की संख्या सर्वाधिक है पूछा जाए तो वो है आपका रायपुर। ध्यान दीजिएगा, पिछले साल तक था आपका बिलासपुर, लेकिन इस साल है आपका रायपुर, ठीक है?
जो आपका 67.11 लाख परिवार है, इस 67.11 लाख परिवार में से सर्वाधिक राशन कार्डधारी परिवार मौजूद है आपके रायपुर जिले में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, पिछले साल तक बिलासपुर था, इस साल हो गया है आपका रायपुर। ठीक, देखिए हमारे प्रदेश में जो है कुल 6 प्रकार के राशन कार्ड प्रचलित हैं। ठीक है, हमारे प्रदेश में जो आपके राशन कार्ड है उसे अलग अलग वर्गों के लिए क्लासिफाइड किया गया है। प्रदेश में कुल 6 प्रकार के राशन कार्ड प्रचलित है। नाम क्या क्या है? एक है प्राथमिकता राशन कार्ड, अंत्योदय परिवार राशन कार्ड, एकल निराश्रित राशन कार्ड, निःसक्त जन राशन कार्ड, अन्नपूर्ण राशन कार्ड और सामान्य राशन कार्ड। तो वर्तमान में हमारे प्रदेश में कुल 6 प्रकार के राशन कार्ड प्रचलित है और इन राशन कार्डों का जो रंग है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब भूपेश बघेल जी की सरकार बनी तब ये जो हमारे प्रदेश के जो राशन कार्ड है उनका नवीनीकरण किया गया और नवीनीकरण करने के पश्चात जो है आपके इन राशन कार्डों का रंग परिवर्तित किया गया। राशन कार्डों के रंग से प्रश्न पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रंगों से आधारित प्रश्न जो है आपका मैच द फॉलोइंग यानी कि सुमेलित कीजिए में पूछ सकता है। ठीक, या कौन सा जो आपका युग्म आपका असंगत है या सही नहीं है ऐसे प्रश्न आ सकता है। ठीक, तो देखिए जो प्राथमिकता परिवार राशन कार्ड है उसका रंग है लाल, अंत्योदय राशन कार्ड का रंग है आपका पीला, एकल निराश्रित का राशन कार्ड का रंग है स्लेटी, जबकि निःसक्त जन राशन कार्ड का रंग है काला, अन्नपूर्ण राशन कार्ड का रंग है नीला, जबकि सामान्य परिवार या इसे ही हम APL कहते हैं, सामान्य परिवार का जो राशन कार्ड है इसका रंग है आपका सफेद। ठीक है, इंपॉर्टेंट है राशन कार्ड के रंगों का नाम याद रखना, प्राथमिकता लाल, अंत्योदय पीला, एकल निराश्रित स्लेटी, निःसक्त जन काला, अन्नपूर्ण नीला और सामान्य का है आपका सफेद। अब देखिए हमारे प्रदेश में जो आपका प्राथमिकता परिवार राशन कार्ड है तो ये प्राथमिकता परिवार राशन कार्ड धारियों की संख्या है 43,08,000। ठीक है, 43.08 लाख यानी कि 43,08,000 जो है आपके प्राथमिकता परिवार राशन कार्डधारी मौजूद है, जबकि 14,02,000 आपके अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवार मौजूद है या वितरित है इतने राशन कार्ड। ठीक, 14.02 लाख, जबकि आपका 38,600 राशन कार्डधारी है आपके एकल निराश्रित। एकल निराश्रित राशन कार्ड धारियों की संख्या कितनी है? 38,600, जबकि निःसक्त जन राशन कार्ड धारियों की संख्या है 10,500, अन्नपूर्ण राशन कार्ड धारियों की संख्या है आपका 6,100, जबकि सामान्य परिवार राशन कार्ड धारियों की संख्या है आपका 9.44 लाख। अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि हमारे प्रदेश में कौन सा राशन कार्ड सर्वाधिक प्रचलित है पूछा जाए तो वो है प्राथमिकता परिवार राशन कार्ड, जो कितना है आपका 43.08 लाख। अगर आप ये सभी को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 67.11 लाख। तो ये 67.11 लाख परिवारों में से सर्वाधिक प्रचलित कौन सा है? प्राथमिकता परिवार राशन कार्ड, जबकि सबसे कम कौन सा है आपका? अन्नपूर्ण राशन कार्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हो सकता है सिक्वेंस से भी प्रश्न पूछे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका सार्वभौमिक PDS प्रणाली। उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से जो आपके राशन सामग्री मुहैया कराई जाती है तो उसकी कीमत कितनी है और कौन से राशन कार्ड में कितना राशन सामग्री मुहैया कराया जाता है? ठीक, इसको समझते हुए चलिए, यह है आपका अंत्योदय राशन कार्ड। अंत्योदय राशन कार्ड में 35 किलो चावल 1 रुपये प्रति किलो की दर से मिलता है। ठीक है, अंत्योदय परिवार राशन कार्ड में 35 किलो चावल, ठीक है, एक अंत्योदय परिवार राशन कार्ड में मैक्सिमम 35 किलो चावल मिलेगा और उसका उपभोक्ता दर कितना है? 1 रुपये प्रति किलो की दर से, यानी कि 35 रुपये में 35 किलो चावल। ठीक, दूसरा है प्राथमिकता परिवार राशन कार्ड। प्राथमिकता परिवार राशन कार्ड में ध्यान दीजिएगा, अगर ये जो प्राथमिकता परिवार राशन कार्ड है उसमें केवल एक ही सदस्य का नाम दर्ज है तो उस प्राथमिकता परिवार राशन कार्ड में 10 किलो चावल मिलेगा। दो सदस्यों का नाम दर्ज है 20 किलो, 3 से 5 सदस्यों का नाम दर्ज है यानी कि 3 सदस्य या फिर 4 सदस्य या फिर 5 सदस्य, अगर 3, 4 या 5 सदस्य का नाम दर्ज है तो 35 किलो चावल मिलेगा, और अगर 5 सदस्य से ज्यादा हुए तो जितने भी अतिरिक्त सदस्य होंगे, 5 से ज्यादा जितने भी अतिरिक्त सदस्य होंगे तो प्रति सदस्य 7 किलो की दर 7 किलो जो है एक्स्ट्रा चावल मिलेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए टोटल 7 सदस्य है तो 7 सदस्य में से 5 सदस्य का 35 किलो मिलेगा, जबकि 2 सदस्य जो एक्स्ट्रा है उसका 7+7 14 किलो अतिरिक्त मिलेगा। ठीक, 5 सदस्य से अधिक होने पर 7 किलो
प्रति सदस्य के दर से चावल मिलता है, और जबकि उपभोक्ता दर कितना है, ₹1 प्रति किलो। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है अन्नपूर्णा राशन कार्ड। अन्नपूर्णा राशन कार्ड में 35 किलो चावल मिलता है, लेकिन इस 35 किलो चावल में से 10 किलो चावल फ्री यानी कि निःशुल्क मिलता है, जबकि 25 किलो चावल ₹1 प्रति किलो की दर से मिलता है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये जो अन्नपूर्णा राशन कार्ड है, इस अन्नपूर्णा राशन कार्ड में 35 किलो चावल तो मिलता है, इस 35 किलो चावल में से 10 किलो चावल निःशुल्क मिलता है, जबकि 25 किलो चावल ₹1 प्रति किलो की दर से मिलता है। ठीक है, उपभोक्ता दर सेम ₹1 प्रति किलो, लेकिन ये ₹1 प्रति किलो 25 किलो का जो है मूल्य है, बाकी 10 किलो जो है वो आपका फ्री है। ठीक, निराश्रित राशन कार्ड में 10 किलो चावल मिलता है, ठीक है, 10 किलो चावल वो भी निःशुल्क। निःशक्तजन राशन कार्ड में 10 किलो चावल निःशुल्क, जबकि ये जो आपका सामान्य राशन कार्ड है, सामान्य यानी कि जो APL है, ये सामान्य राशन कार्ड में एक सदस्य होने पर 10 किलो, दो सदस्य होने पर 20 किलो, 3 से 5 सदस्य होने पर 35 किलो चावल मिलता है। और ध्यान दीजिएगा, पिछले साल जो आपका इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें बताया गया था कि ये जो चावल है इसका उपभोक्ता दर है आपका ₹10 प्रति किलो। ठीक है, ₹10 प्रति किलो, लेकिन इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में इसमें दिखाया गया है, दर्शाया गया है कि जो आपका सामान्य परिवार, जो आपका सामान्य परिवार राशन कार्ड है, इसमें जो चावल का जो उपभोक्ता दर है वो है ₹1 प्रति किलो। ठीक है, लेकिन अगर आप वास्तविकता में देखेंगे, हो सकता है कि इकोनॉमिक सर्वे में प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, पिछले साल तक के जो राशन कार्ड, जो आपका सामान्य परिवारों के लिए जो उपभोक्ता दर था वो था ₹10 प्रति किलो चावल का, लेकिन इस साल के जो आपके इकोनॉमिक सर्वे में आया है उसमें ₹1 प्रति किलो दर्शाया गया है, लेकिन अगर वास्तविकता की अगर हम बात करें तो वास्तव में जो है आपके सामान्य परिवार राशन कार्ड पर ₹10 प्रति किलो की दर से चावल मुहैया होता है या चावल वितरित किया जाता है। ठीक है, तो इसको प्रिंटिंग एरर भी बोल सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है आपका गवर्नमेंट का इकोनॉमिक सर्वे, तो हम फिलहाल इसको लेते हुए चलते हैं। ठीक है, मे बी पॉसिबल वो जो है आपका टाइपिंग एरर होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ये तो था आपका चावल की मात्रा। अब चावल के अतिरिक्त जो है आपका कुछ अन्य राशन भी मिलता है, जैसे कि चना। चना जो है ये आपका प्राथमिकता और अंत्योदय, केवल 2 राशन कार्डधारी परिवारों को मिलता है। ठीक, और ये मिलेगा स्पेशली अनुसूचित क्षेत्र में, हर जगह नहीं मिलता, केवल अनुसूचित क्षेत्र में। अनुसूचित क्षेत्र इसे आप ऐसे समझ सकते हैं आपका आदिवासी विकास खंड, अनुसूचित क्षेत्रों में मिलेगा, जहां पर 2 किलो चना मिलेगा ₹5 प्रति किलो की दर से, 2 किलो चना ₹5 प्रति किलो की दर से। वैसे ही शक्कर ये भी प्राथमिकता और अंत्योदय परिवार राशन कार्डधारी जो है उन्हें ही मिलेगा, ये मिलेगा 1 किलो ₹17 प्रति किलो की दर से। उसके अलावा गुड़ केवल वितरित होगा आपके बस्तर संभाग में, बस्तर संभाग के उचित मूल्य की दुकानों में शक्कर के बदले गुड़ वितरित होगा, और ये वितरित होगा 1 किलो ₹17 प्रति किलो की दर से। जबकि जो केरोसिन है ये भी आपका प्राथमिकता और अंत्योदय परिवार जो है इसके लिए पात्र होंगे। इसके अलावा एक और चीज वितरित होता है, वो है आपका नमक जो है ये आपका अनुसूचित क्षेत्र जो है आपका अनुसूचित क्षेत्र में 2 किलो नमक निःशुल्क फ्री रहता है, जबकि गैर अनुसूचित क्षेत्रों में 1 किलो जो नमक है ये आपका फ्री दिया जाता है। ठीक है, 1 किलो नमक जो है फ्री दिया जाता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अनुसूचित क्षेत्रों में 2 किलो नमक, आयोडीन युक्त जो आपका अमृत नमक का जो पैकेट आता है अनुसूचित क्षेत्रों में 2 किलो, जबकि गैर अनुसूचित क्षेत्रों में आपका 1 किलो नमक मुहैया आपका वितरित होता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका धान खरीदी। ये भी प्रश्न आया हुआ है, प्रश्न पूछा गया था कि प्रदेश के जो आपके धान खरीदी केंद्र है उन्हें किस वर्ष कंप्यूटरीकृत किया गया, यानी कि ऑनलाइन किया गया। तो कंप्यूटरीकृत का वर्ष है आपका वर्ष 2007-08, या आपका खरीफ वर्ष 2007-08। ये प्रश्न आया हुआ है, 2 साल आया हुआ प्रश्न है कि प्रदेश में जो धान खरीदी के जो केंद्र है उन्हें किस वर्ष कंप्यूटरीकृत किया गया, यानी कि ऑनलाइन किया गया। ये किया गया आपके वर्ष 2007-08 में। ये क्यों किया गया, ताकि धान खरीदी केंद्रों में जो आपके किसान पहुंचते हैं उनके खातों में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर किया जा सके, और बीच और जो आपके खरीदी बिक्री में बिचौलियों का हस्तक्षेप कम हो, इसके लिए इसे जो है कंप्यूटरीकृत किया गया था वर्ष 2007-08 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, धान खरीदी में पारदर्शिता बनी रहे इसके लिए इसे कंप्यूटरीकृत किया गया।
प्रदेश में जो आपका केंद्र है वित्तीय वर्ष 2020-21 में केंद्रों की संख्या थी 2310, ठीक है, प्रदेश में धान खरीदी केंद्रों की संख्या थी 2310 और इसमें पंजीकृत किसानों की संख्या थी 21,48,000। वित्तीय वर्ष 2020-21 तक की स्थिति में प्रदेश में धान खरीदी केंद्रों की संख्या 2310, जबकि इस धान खरीदी केंद्र जो आपके धान खरीदी केंद्र है इसमें पंजीकृत किसानों की संख्या थी आपका 21,48,000। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अब खरीफ वर्ष 2020-21 में धान और मक्का खरीदी कौन सी संस्था खरीदती है, कितने अवधि इसके लिए निर्धारित होती है, MSP क्या रहता है, अधिकतम सीमा क्या है और कितने खरीदी हुई, इसको ध्यान दीजिए। देखिए, हमारे प्रदेश में जो धान खरीदने वाली जो संस्था है इसके लिए अधिकृत संस्था है आपका मार्कफेड, ठीक, जबकि मक्का खरीदी के लिए अधिकृत संस्था है वो है आपका मक्का खरीदी नागरिक आपूर्ति निगम। हमारे प्रदेश में जो आपके किसानों से जो धान खरीदती है उस संस्था का नाम है मार्कफेड, जबकि मक्का खरीदी करने वाली जो संस्था है उसका नाम है मक्का खरीदी नागरिक आपूर्ति निगम। ठीक, अब खरीदी की समय सीमा, धान खरीदी जो आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का जो समय निर्धारित किया गया है वो है 1 दिसंबर 2020 से लेकर के 31 जनवरी 2021 तक, ठीक है, 1 दिसंबर 2020 से लेकर के 31 जनवरी 2021 तक ये ऑफिशियल डेट निर्धारित किया गया था। बाद में कुछ इशू आए, जो न्यूज़ आए उसके आधार पर ये सामने आया था कि बहुत सारे किसानों की धान जो है उसे खरीदा ही नहीं गया था, तो उसके लिए कुछ टोकन वितरित किए गए थे और कुछ समय सीमा बढ़ाई गई थी, वो फिलहाल हमारे लिए मैटर नहीं करता। फिलहाल जो ऑफिशियल डेट है उस पर ध्यान दीजिए, 1 दिसंबर 2020 से लेकर के 31 जनवरी 2021 तक धान खरीदी का जो आपका डेट है वो निर्धारित किया गया था, जबकि जो मक्का खरीदी का जो डेट है वो निर्धारित किया गया था 1 दिसंबर 2020 से लेकर के 31 मई 2021 तक, ठीक है। MSP जो आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की गई, तो MSP कितना था, सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य था आपका 1868 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि ग्रेड ए धान का आपका मूल्य था 1888 रुपए प्रति क्विंटल, सामान्य से 20 रुपए ज्यादा, ठीक है, सामान्य का 1868, ग्रेड ए का 1888, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया था, लेकिन प्रदेश सरकार प्रदेश के किसानों से जो आपकी धान की खरीदी करती है वो करती है 2500 रुपए प्रति क्विंटल, ठीक है, 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रदेश सरकार जो है धान की खरीदी करती है। उससे भी आप सभी अवगत होंगे जो प्रदेश सरकार के द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना चलाया जा रहा है, तो उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य से जो आपका अतिरिक्त राशि है वो 4 किस्तों में किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो प्रदेश सरकार 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी करती है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए था आपका 1868 रुपए और ग्रेड ए के लिए था 1888 रुपए, जबकि मक्का खरीदी का जो निर्धारित मूल्य था आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य वो था 1850 रुपए प्रति क्विंटल। ठीक, अधिकतम सीमा, एक किसान से 1 एकड़ से अधिकतम 15 क्विंटल जो है आपका धान खरीदा जाता है, ठीक है, 15 क्विंटल प्रति एकड़ ये अधिकतम सीमा है खरीदी की, जबकि मक्का खरीदी की अधिकतम सीमा है आपका 10 क्विंटल प्रति एकड़, ठीक है, 10 क्विंटल प्रति एकड़। अब खरीदी देखिए, जो आपकी धान की खरीदी की गई 1 दिसंबर से लेकर के 31 जनवरी के बीच में, तो धान खरीदी जो की गई वो रहा आपका 92 लाख मैट्रिक टन, 92 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी की गई, जो अब तक प्रदेश में की गई धान खरीदी में सर्वाधिक है। 92 लाख मैट्रिक टन इतने धान की खरीदी इस खरीफ वर्ष 2020-21 में की गई, ठीक, और मक्का का डाटा अभी आने को है तो इतने को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। 92 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी इस खरीफ वर्ष 2020-21 में की गई। ठीक, अब देखिए, ये MSP यानी कि आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस या आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य होता क्या है, देखिए ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है इसका निर्धारण करती है केंद्र सरकार, ठीक है, प्रतिवर्ष केंद्र सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है। देखिए ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है इसकी सिफारिश करती है कृषि उपज एवं मूल्य आयोग। कृषि उपज एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर जो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति है, भारत सरकार के आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करती है। सिफारिश कौन करता है, कृषि उपज एवं मूल्य आयोग, जारी कौन करता है, भारत सरकार की आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति,
ठीक है, और केंद्र सरकार के द्वारा कुल 23 कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है। ठीक है, कुल 23 कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है। तो अभी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए नया न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जा चुका है, इसे मैं टेलीग्राम में शेयर कर चुका हूं। इसके अलावा जो हमारा मोबाइल ऐप है उसमें भी सभी को इसका PDF सेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का नया डाटा आ चुका है। तो इस नए डाटे में हम धान और मक्का का मूल्य देख लेते हैं। इस नए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि ये कितने का था, 2021 का था, अभी कितना देख रहे हैं हम, 21-22 का। नए न्यूनतम समर्थन मूल्य में धान का MSP है, सामान्य धान का है 1940 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि ग्रेड ए का है 1960 रुपए प्रति क्विंटल, जो कि पिछले जो आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य था उसमें 72 रुपए की वृद्धि की गई है। इंपॉर्टेंट है, पिछले न्यूनतम समर्थन मूल्य से 72 रुपए की वृद्धि करके नया न्यूनतम समर्थन मूल्य 2021-22 निर्धारित किया गया है सामान्य धान के लिए 1940 रुपए, जबकि ग्रेड ए के लिए निर्धारित किया गया है 1960 रुपए, जबकि मक्का के लिए निर्धारित किया गया है आपका 1870 रुपए प्रति क्विंटल, पहले कितना था 1850, कितने की इंक्रीमेंट हुई है 20 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि हुई है। ठीक है, इसमें 72 रुपए, इसमें 20 रुपए, इंपॉर्टेंट है, ये डाटा भी याद रखना है। अब प्रश्न में 21-22 पूछ रहा है कि 20-21 पूछ रहा है, ये देख के आपको क्वेश्चन के आंसर अटेम्प्ट करने हैं। ठीक, अब नेक्स्ट है छोटा सा टॉपिक, चावल उत्सव। चावल उत्सव प्रदेश सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष जो है आपका चावल उत्सव का आयोजन किया जाता है। ये चावल उत्सव और कुछ नहीं, उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से राशन सामग्री वितरित, ये मुख्यतः चावल वितरित करने के लिए ये उत्सव प्रारंभ किया गया था फरवरी 2008 से गांव में चावल उत्सव का आयोजन किया जाता है। गांव जहां पे 6 तारीख के बाद पहली बार जो आपका हाट बाजार लगता है, यानी कि 6 तारीख आपका निर्धारित किया गया है, उसके बाद लगने वाले पहले हाट बाजार में उचित मूल्य की दुकानों में आपका चावल वितरण प्रारंभ किया जाएगा, जबकि जिन गांव में हाट बाजार नहीं लगते वहां पे 7 तारीख से चावल वितरण प्रारंभ किया जाता है उचित मूल्य की दुकानों में। यही है आपका चावल उत्सव। चावल उत्सव कब प्रारंभ हुआ पूछा जाए तो ध्यान दीजिएगा फरवरी 2008 से। तो ये था आपका अध्याय 4 मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इतने को याद कीजिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। किसी प्रकार डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।